बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जायका तलत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बड़ा हेल्दी शेक बताने लगी हूँ। ये बहुत मज़े का और बड़ा हेल्दी होता है, बच्चों का बड़ा फेवरेट ये शेक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं दो एप्पल। इनको आपने दरमियान से काट के तो इनके दो पीस करके तो अंदर से जो इसके बीज वगैरह हैं वो अलग कर लेने हैं। इसके बाद आपने ये इनके फोर पीस एक एप्पल के करने हैं। फिर आपने ये अंदर से अच्छी तरह इसको नीट करना है। इसके बीज और ये अंदर से थोड़ा सख्त होता है सेंटर से, इसको निकाल देना है। ये आपने इनको अच्छी तरह साफ करके इनके छिलके उतारने हैं। उसके बाद ये आपने साफ कर लिए हैं। आप इनके छोटे छोटे पीस आपने करके, छिलके मैं नहीं उतार रही, आप अपनी चॉइस के मुताबिक उतार सकते हैं। छिलके के साथ शेक का बहुत मज़ा आता है, ये बिल्कुल मैश हो जाते हैं। ये छोटे छोटे पीस करके मैंने दो एप्पल जो हैं जग में डाल लिए हैं। उसके बाद मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक गिलास दूध डाला है और फिर इसको अच्छी तरह आपने ग्राइंड करना है। बिल्कुल आपने इसको बिल्कुल मैश करके तो फिर आपने इसको ग्लास में डालना है। इसके बाद ये छोटे छोटे पीस मैंने अलग से रखे हैं, इनको आपने ग्लास के नीचे डाल लेना है। फिर आपने ऊपर शेक डालना है। ये देखें इतना अच्छा ये ग्राइंड हो गया है। इसके बाद आपने इसके ऊपर अपनी चॉइस के मुताबिक आपने ड्राई फ्रूट जो है वो डाल लेना है। इससे शेक का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है, बहुत मज़े का शेक बनता है ये। आप ड्राई फ्रूट ऊपर डालें और नीचे आप एप्पल के पीस डालने से। ये ड्राई फ्रूट डाला है मैंने। उसके बाद क्रीम की थोड़ी सी मैंने थोड़ा सा मैंने एक चम्मच जो है वो क्रीम डाल दी है। ये देखें इतना मज़े का इतना टेस्टी ये शेक बनता है कि आप एक दफ़ा बना के देखें तो आप बार बार इसको पियेंगे। तो दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका खामियो नासिर। खुदा हाफिज़।